एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और नॉर्मली ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ दिखाना है, कौन से डिपार्टमेंट में किस बीमारी के लिए दिखाना है। और ये हर नर्सिंग स्टूडेंट, हर मेडिकल स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है, जो अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है हर डिपार्टमेंट को समझना कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि हर हॉस्पिटल के अंदर हर स्पेसिफिक डिजीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जनरली दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट होता है हमारा आईपीडी एंड सेकंड होता है हमारा ओपीडी। आईपीडी को हम बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। और सेकंड होता है ओपीडी, ओपीडी को हम बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये दो इनके डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी और ओपीडी। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है हम वो समझेंगे। आईपीडी वो जगह है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जब हम अगर किसी चीज के लिए, अगर हमें कोई डिजीज ऐसी है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा, या हम किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होंगे, जैसे कि हमारा एकदम से एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई रेस्पायरेटरी डिजीज हो गई हो, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा, तो हम जाएंगे डायरेक्ट आईपीडी। हम ओपीडी में दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर अगर हमें बोलता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तभी हम आईपीडी में एडमिट होंगे। और सेकंड होता है ओपीडी, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई जनरल प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको सिर्फ डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना हो, उनको सिर्फ दिखाना है कि आपको क्या डिजीज हुई है, अगर कोई टेस्ट करवाना है और आप सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए ही आए हो, सिर्फ डॉक्टर से किसी चीज की एडवाइस लेने आए हो, तो आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाओगे। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहां पे हम अपनी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। और इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग जगह होती है जहां पे हम हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग एडमिट हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे हम आईपीडी के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ओपीडी के डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईपीडी के डिपार्टमेंट के बारे में। तो आईपीडी में जनरली कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी को हम इमरजेंसी भी बोलते हैं। सेकंड होता है वार्ड्स, थर्ड होता है आईसीयू। तो आईपीडी के अंदर जनरली ये तीन चीजें होती है, सबसे पहले होता है कैजुअलिटी, दूसरा होता है वार्ड्स, और थर्ड होता है आईसीयू। तो कैजुअलिटी यानी कि इमरजेंसी, अगर हमें कोई इमरजेंसी में हमें एडमिट होना पड़ रहा है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें बिना डॉक्टर को दिखाए डायरेक्ट वहीं जाना पड़ रहा है, तो हम कैजुअलिटी यानी कि इमरजेंसी में जाएंगे सबसे पहले। फिर वहां से डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट करेगा, हमें स्टेबल करने के बाद वो जहां जिस वार्ड में हमें रखना चाहे वहां पे रखेंगे हमारे बीमारी के अकॉर्डिंग। और वार्ड सेकंड होता है हमारा वार्ड। तो वार्ड का मतलब होता है कि वार्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल सर्जरी, जनरल सर्दी खांसी है, या कोई बुखार आया है कि कुछ दिनों के लिए रहना है, आप जनरली ठीक हो सकते हो सिर्फ ट्रीटमेंट से, तो आप मेडिसिन वार्ड में जा सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है तो आप सर्जरी वार्ड में आपको रखा जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है तो हड्डी रोग विभाग में यानी कि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आपको रखा जाएगा। अगर आपको कोई रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रेस्पायरेटरी वार्ड में रखा जाएगा। अगर आप जल गए हो तो उसको बर्न वार्ड में आपको रखा जाएगा। अलग अलग प्रकार के जितने वार्ड है वो सारे वार्ड इसमें आते हैं। लास्ट होता है हमारा आईसीयू, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में हम जब एडमिट होते हैं, जब हम कुछ ज्यादा ही सीरियस कंडीशन हो कि हम वार्ड में जनरली ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं और हमारी कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब होती है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। तो ये थे
आईपीडी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सीएसएसडी होता है। सीएसएसडी का मतलब होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जहां पे सारे आर्टिकल्स जिनका, जैसे कि अगर ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन हुआ है वहां पे जो आर्टिकल्स यूज किए गए, सीजर्स वगैरह, उन सबको क्लीन करने के बाद उनको ऑटोक्लेव किया जाता है, उनको स्टेराइल किया जाता है। संक्रमण से रिलेट, वो संक्रमण से भरे होते तो उनको विसंक्रमित किया जाता है वापस, ताकि किसी और पेशेंट को हम उसे काम में ले सके। उसके अलावा जितने भी हमारे गोज पीसेस वगैरह रहते हैं, बैंडेजिंग होती है, इन सबको संक्रमण से भगाने के लिए सीएसएचडी में ये सारे काम होते हैं। उसके अलावा रहता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर। जब हम ऐसी कोई बीमारी जिसकी जिसका सिर्फ हमें ऑपरेशन ही होना हो, तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे ओपीडी के डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट हम देखते हैं यहाँ, वो होता है मेडिसिन डिपार्टमेंट। मेडिसिन डिपार्टमेंट एक जनरल डिपार्टमेंट होता है कि अगर हमें कुछ भी नॉर्मल सर्दी खांसी हो रही है, फीवर हो रहा है, या कुछ भी, मान लो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या हम अगर कोई भी जनरली ट्रीटमेंट हमें करवाना है या डॉक्टर को सिर्फ सलाह लेना है, तो सबसे पहले हम मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएंगे। वहीं पे जाने के बाद ही हम जब टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन सी स्पेसिफिक बीमारी है और हमें किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को दिखाना है। तो ये है मेडिसिन डिपार्टमेंट। सेकंड है हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड, मूत्र से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। जैसे अगर किडनी स्टोन है या पथरी की बीमारी हो गई, या आपको यूरिन से रिलेटेड और कोई अलग बीमारी है, आपको अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन पास करते टाइम का अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीज़ें हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट होता है गेस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। गेस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी पेट से रिलेटेड बीमारी है, अगर आपको गेस्टाइटिस है, पेट में छाले हैं, अगर आपको एंडोस्कोपी करवानी है, या पेट से रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी है, तो ये सारी बीमारी गेस्ट्रोलॉजिस्ट देखते हैं गेस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्थल डिपार्टमेंट। ऑप्थल डिपार्टमेंट जितनी भी आँख से रिलेटेड बीमारी है, अगर आपको मोतियाबिंद है, या आपको चश्मे का नंबर चेक करवाना, आपका हेडेक होता है आँख में पढ़ाई की वजह से, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आँख से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है, तो आप ऑप्थल डिपार्टमेंट में दिखाओगे। नेक्स्ट है हमारा ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी डिपार्टमेंट का मतलब होता है ईयर नोज एंड थ्रोट, यानी कि नाक कान गला। अगर आपको नाक कान या गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपको अगर स्किन से रिलेटेड, चमड़ी से रिलेटेड कोई भी चर्म रोग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई चर्म रोग है, या चर्म से डर सॉरी स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है, तो आपको डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन करवाते हैं, ये सारी चीज़ें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पायरेटरी डिपार्टमेंट। रेस्पायरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा जितने भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपको अस्थमा है, निमोनिया है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सारी चीज़ें, टीबी, ये सारी चीज़ें हम रेस्पायरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर दिखाएंगे। अगर उसके बाद है सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करवाना है, तो आप सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। वहीं पे आपको पता चलेगा, डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आपकी कौन सी सर्जरी होगी, कितने दिन की सर्जरी होगी, कब होगी, सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें सर्जरी में मिलती है। सर्जरी अलग अलग प्रकार की होती है, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी के लिए यूरो सर्जरी, और उसके अलावा ओनको सर्जरी, अलग अलग प्रकार की सर्जरी होती है। उसके बाद होता है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स अगर हड्डी से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, अगर हड्डी टूट गई है, हड्डी जुड़वानी है, या हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीज़ें हम ऑर्थोपेडिक्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट होता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो हम ये शिशु रोग विभाग यानी कि पीडियाट्रिक्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अगर आपको कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, अगर मान लो आपकी हड्डी टूटने के बाद जोड़ी गई है, और डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। नेक्स्ट होता है हमारा गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि स्त्री रोग विभाग। स्त्री रोग विभाग के अंदर जितनी भी महिला हैं, उनको महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ, प्रेगनेंसी, मेन्स्ट्रुएशन वगैरह,
ठीक है, मेनार्जिया वगैरह ये सारी प्रॉब्लम, जितनी भी महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उन सब के लिए हम गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा दें। नेक्स्ट हमारा वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जितनी भी वैक्सीनेशंस रहती है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को लगनी है, बच्चों को लगनी है, अगर हमें कोई टीका लगवाना है तो सारी चीज़ें हम वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। उसके बाद होता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, अगर हमें न्यूरो रिलेटेड यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। उसके बाद होता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, अगर हमें कोई मानसिक समस्या है तो ये हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। इसके अलावा भी और भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहाँ हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी हो, ये सारी चीज़ें आप हार्ट रिलेटेड सारी कार्डियोलॉजी के अंदर दिखा सकते हैं। इसके अलावा ओपीडी में लैब्स भी होते हैं जहाँ पर जनरली आपका टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, अलग अलग लैब होते हैं, पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब और बायोकेमिस्ट्री लैब, जहाँ पे आपको शुगर का और भी बहुत सारी जितने भी सारे टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट आप लैब में करवा सकते हैं। तो ये था सारा आईपीडी और ओपीडी। आई होप आपको समझ में आ गई कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम में था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।